हम सब लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे? हमको तो रहना ही नहीं हुआ, वो रखे तो नहीं रहना हमको पार्टी में। नरपाल सिंह जी राजवी ने कल जो बयान दिए हैं उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। 200 और 300 रुपए में लोग आए हैं, पार्टी ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रभान सिंह आख्या के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष के नाम प्रेषित किया। सभी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के नगर और ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी भी अब खुलकर टिकट कटने के विरोध में सामने आए हैं। हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, आज के बाद हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं रहे। वो सदस्यता माने या नहीं माने वो जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। हम सब लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो चंद्रमान सिंह को समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ। वो क्या कार्रवाई करें, हम तो कार्रवाई से पहले इस्तीफा दे चुके हैं, आज भी इस्तीफा दे रहे हैं, वो क्या कार्रवाई करेंगे? हमको तो रहना ही नहीं हुआ, वो रखे तो नहीं रहना हमको पार्टी में। आज नरपाल सिंह जी राजवी ने कल जो बयान दिए है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा की रैली में 400-500 लोग थे, वो कच्ची बस्ती के लोग थे, दूसरे लोग थे, इसलिए इनके कच्ची बस्ती के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, एसी और एसटी के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। इस प्रकार उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि मैं किन लोगों के लिए किस प्रकार की भावना व्यक्त कर रहा हूं, कि यहाँ की जनता को लोगों ने देखा है, यहाँ की मीडिया ने देखा है, किस प्रकार के लोग सोवर लोकल आए थे और कितना देरी से उन्होंने पर्चा भरा है चुपचाप बाजार से अभिवादन करते हुए, वो सब लोग आए और चुपचाप वापस चले गए। ऐसी जनता को उठपटांग बोलना, बाहरी बोलना, क्योंकि यह रिजल्ट ये सब बोली के कारण वाले तो यहाँ की जनता को धमकाया था कि मैं आप लोगों को देख लूंगा, वो क्या देखेंगे, यहाँ की जनता देखेगी। और कल उन्होंने कहा 200 और 300 रुपए में लोग आए हैं, यहाँ के व्यापार वर्ग के लोगों को आरोप लगाया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आरोप लगाया है और आने वाले लोगों को आरोप लगाया है 200 और 300 रुपए लेके आए हैं। मैं कहता हूँ उन लोग सब लोगों के कारण उनको इस प्रकार की बोली पर लगाम लगानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी उम्र के अनुसार और उम्र की तकाजा के अनुसार उनकी भाषा का उपयोग सही नहीं है। इस प्रकार की भाषा नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और हम सब लोग आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता जहाँ कहेगी वहाँ हम सब लोग मिलकर खड़े रहेंगे। कितने पदाधिकारियों ने अब तक इस्तीफा दिया? कम से कम चित्तौड़गढ़ विधानसभा के अभी तक शुरुआत में 1500-1550 लोगों ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद कम से कम 2-2.25 हजार हो गए थे और आज हम जिम्मेदारी दायित्व पर हैं 35-36 लोग, वो सब हम प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया, इस कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम सब इस्तीफा देते हैं। आज करीबन 37 जनों ने जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जिनके पास अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, विधायक साहब हैं, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन साहब हैं, उसके साथ ही मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रधान, पूर्व प्रधान, इस तरह से करीब 38 लोगों ने, मुख्य लोगों ने आज इस्तीफा दिया है। जिला उपाध्यक्ष जी हैं उसमें, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जी हैं, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष जी हैं। हम सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी का जो गलत निर्णय था उसके खिलाफ आज यह इस्तीफा, आज तक टोटल मिला के करीब 2200 इस्तीफे हो चुके हैं हमारे पार्टी पदाधिकारियों के, जिसमें हमारे बूथ की कार्यकारिणियाँ, बूथ के अध्यक्ष, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, सभी ने मिलकर लगभग इतने इस्तीफे हम अभी तक दे चुके हैं। और हम सभी ने एक निर्णय किया है कि पार्टी का जो निर्णय हुआ है गलत, उसके खिलाफ जाकर हम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ लगेंगे और हमारी पूरी भावना और जन भावना को देखते हुए उनके साथ लेकर इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। सीधे तौर पर धरातल की जो भाजपा है वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लगभग 95% पदाधिकारियों ने आज तक इस्तीफा दे चुका है। हर मंडल में 2-3 बूथ अध्यक्ष, 2-3 पदाधिकारी उनके पास बचे हैं। इसके अलावा जो है बाहर से लाए हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी से वो काम करा रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता के नाम पर कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं बचे हैं।